ठीक है, और रिकॉर्डिंग के मज़े उड़ाओ। और फहद यार, तुम्हारे नाम के साथ जो है पता नहीं क्यों वो अलाउ टू रिकॉर्ड का ऑप्शन नहीं देता भाई। अच्छा जी, चलो जी स्टार्ट करते हैं आज। क्या कहते हैं, थोड़ा लेट हो गया, ठीक है, खैर एनीवेज स्टार्ट करते हैं चीज़ों को। तो हम लोग सुबह जो है वो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न यानी कि IRR को डिस्कस कर रहे थे। IRR को ही मज़ीद डिस्कस करना है, IRR के बारे में मज़ीद चीज़ें जो है वो हमें देखनी है, ठीक है ना। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के बारे में सुबह, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के बारे में सुबह हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी, और वो प्रॉपर्टी ये पढ़ी कि जब हम IRR को एज अ डिस्काउंट रेट यूज़ करते हैं तो नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है ना वो ज़ीरो आती है, ठीक है, नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है वो ज़ीरो आती है, ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, सही है ना। अच्छा, अब इफ इफ IRR इज यूज्ड एज डिस्काउंट रेट, इफ IRR इज यूज्ड एज डिस्काउंट रेट, नेट प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है। दूसरी चीज़, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। दो प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इफ IRR इज़ यूज्ड एज डिस्काउंट रेट, अगर IRR को एज अ डिस्काउंट रेट यूज़ करोगे तो एक तो आपकी जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है वो ज़ीरो आएगी, जो आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू है वो इक्वल्स टू ज़ीरो होगी, ज़ीरो के बराबर होगी। दूसरी चीज़ क्या होगी कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज इज़ इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। अच्छा, ये दोनों प्रॉपर्टीज़ आपस में लिंक्ड हैं, ये दोनों प्रॉपर्टीज़ आपस में लिंक्ड हैं। कैसे लिंक्ड हैं? नेट प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है? नेट प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला होता है नेट प्रेजेंट वैल्यू इज़ इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज। बे यार, ये कौन बच्चे हैं यार। नेट प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। और क्योंकि IRR पर नेट प्रेजेंट वैल्यू ज़ीरो होती है तो ज़ीरो इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज, ठीक है। और इसको फिर मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। ये बात समझ में आती है, ठीक है। ये हमारे पास फाइनल चीज़ हो जाती है, ये हमारे पास फाइनल चीज़ बन जाती है, यानी कि दो प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर अगर आपकी जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है, अगर आपकी जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है, ठीक है, IRR पे नेट प्रेजेंट वैल्यू ज़ीरो होती है, और अगर नेट प्रेजेंट वैल्यू ज़ीरो होती है तो दूसरी प्रॉपर्टी ये भी है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज इज़ इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। अच्छा, सुबह में जो सवाल करवा रहा था वो सवाल हमने कुछ यूँ किया था कि ईयर ज़ीरो, ईयर वन और ईयर टू थे, इसके कुछ कैश फ्लोज थे, इसके कुछ कैश फ्लोज थे। ईयर ज़ीरो पर आप 100 रुपये इन्वेस्ट कर रहे थे और वो इन्वेस्ट कर कर आपको पहले साल के आखिर में 60 रुपीज़ मिल रहे थे और दूसरे साल के आखिर में 55 रुपीज़ मिल रहे थे, ठीक है। आप 100 रुपये इन्वेस्ट कर रहे थे और पहले साल के आखिर में आपको 60 रुपीज़ मिल रहे थे और दूसरे साल के आखिर में आपको 55 रुपीज़ मिल रहे थे, ठीक है। हाँ बिल्कुल, मैं दे देता हूँ। तो फाद अभी भी नहीं आ रहा, रिकॉर्डिंग राइट्स देने का ऑप्शन ही नहीं आ रहा भाई, नहीं आ रहा। अच्छा, अब हमने सुबह इसका आंसर क्या कैलकुलेट किया था? 10% का आंसर कैलकुलेट किया था सुबह हमने, ये सवाल सॉल्व किया था, ठीक है, और इसका आंसर हमने 10% निकाला था। तो हम इसको अब इस तरह से सॉल्व करते हैं, जो ऊपर प्रॉपर्टीज़ दी हैं उन प्रॉपर्टीज से सॉल्व करते हैं। अगर हम इन प्रॉपर्टीज से सॉल्व करेंगे, हमें ये मालूम है नेट प्रेजेंट वैल्यू इज़ इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। आप एज्यूम कर लो, एज्यूम कर लो, एज्यूम कर लो कि IRR जो है ना वो एक्स है, एज्यूम कर लो कि IRR जो है ना वो एक्स है। तो आप अपने पास, नहीं महानूर, IRR की जो परसेंटेज आ रही थी बेटा वो 10% आ रही थी, NPV 2.6 और -2.6 थी, लेकिन IRR 10% आ रहा था जो हमने फॉर्मूला यूज़ किया था। अच्छा, आप एज्यूम कर लो IRR एक्स है, तो क्या मैं ये इक्वेशन बना सकता हूँ, क्या मैं ये इक्वेशन बना सकता हूँ ज़ीरो, क्या मैं ये इक्वेशन बना सकता हूँ ज़ीरो,
इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज इज इक्वल्स टू 60 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स पावर 1, और दूसरी जगह पर 55 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स की पावर 2, ठीक है ना, माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज यानी कि 100, ठीक है ना। मैं वापस से रिपीट करता हूँ, क्योंकि हमें ये पता है कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को अगर एज अ डिस्काउंटिंग की परसेंटेज यूज़ किया जाए तो नेट प्रेजेंट वैल्यू ज़ीरो होती है। तो मैं ये इक्वेशन बना सकता हूँ, इसमें ज़ीरो क्या है, नेट प्रेजेंट वैल्यू है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज कैसे आया, 60 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स पावर 1 प्लस 55 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स पावर 2, और माइनस 100 कैसे आया, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज जो है वो माइनस 100 की जगह आ रहा है। तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी, और इस इक्वेशन को फिर मैं सॉल्व करूंगा, और सॉल्व करने के लिए एक आसान तरीका है, यूज योर कैलकुलेटर टू सॉल्व दिस इक्वेशन, यूज योर कैलकुलेटर टू सॉल्व दिस इक्वेशन। कैलकुलेटर जो है ना, कैलकुलेटर को अगर आप इस्तेमाल करते हो तो कैलकुलेटर पर इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका है होता है। कितने लोगों को कैलकुलेटर पर अननोन सॉल्व करना आता है और कितने लोगों को नहीं आता? जितने लोगों को नहीं आता उनको इस लाइन के बाद आ जाएगा, इफ़ यू डोंट नो प्लीज फाइंड अ वीडियो ऑन YouTube, ठीक है। अगर कैलकुलेटर पर आप लोगों को इक्वेशन सॉल्व करना आता है, अननोन ढूंढना आता है, तो अच्छी बात है। अगर नहीं आता तो क्या करना होगा, अगर नहीं आता तो YouTube पर आप सर्च करोगे और आपको हज़ारों वीडियोस मिल जाएंगी, उसमें से कोई भी एक वीडियो देख लेना जिस पर आपको कैलकुलेटर पर इक्वेशन सॉल्व करना आता हो, आ जाए, कैलकुलेटर को फोकस कर कर वो सिखा देंगे। जितने लोगों को सॉल्व करना आता है, जितने लोगों को सॉल्व करने का आता है वो मुझे ज़रा सॉल्व कर कर बताओ कि क्या जो सुबह हमारा आंसर आ रहा था 10%, जो हमने एक फॉर्मूले के तहत सॉल्व करा था, क्या हम इस तरीके से भी वही आंसर निकाल रहे हैं? क्या इस तरीके से भी जो कैलकुलेटर आपको आंसर दे रहा है वो 10% ही दे रहा है, कुछ और तो नहीं दे रहा है? यस सर, 0.1 आ रहा है। ठीक है ना, 0.1 आ रहा है, यानी कि आंसर इस तरीके से भी 10% ही आ रहा है। अच्छा जी, अब मज़ीद चीज़ें जो है वो हैंडआउट को सॉल्व करते करते डिस्कस कर लेते हैं। हैंडआउट मैंने आप लोगों को फाइनेंशियल मैथ्स का जो है वो भेजा हुआ है, ठीक है ना। हैंडआउट मैंने आप लोगों को फाइनेंशियल मैथ्स का पहले ही भेजा हुआ है, और उस हैंडआउट से कुछ क्वेश्चंस मैंने करवाए थे, कुछ क्वेश्चंस मुझे जो है वो करवाने हैं, ठीक है ना। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 हमने छोड़ दिया था पहले, क्वेश्चन नंबर 2 हम सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को अगर हम सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है, इन्वेस्टमेंट एट ईयर 0 2 मिलियन। ईयर 0 पर जो इन्वेस्टमेंट है वो 2 मिलियन रुपए की है, यानी कि मैं यहाँ पर ईयर नंबर 0 लिखता हूँ, और जो कैश आउटफ्लो है मेरा, जो कैश फ्लो है वो ईयर नंबर 0 पर 2 मिलियन है। तो 2 मिलियन यहाँ पर मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, 2 मिलियन यहाँ पर मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ। फिर लिखा हुआ है 100,000 कैश इनफ्लो एट ईयर 1, 200,000 कैश इनफ्लो एट ईयर 2, एंड 2.3 मिलियन ईयर 3 एंड कंप्यूट IRR। ईयर नंबर 1 पर, ईयर नंबर 2 पर और ईयर नंबर 3 पर जो कैश इनफ्लोज हैं, ईयर नंबर 1 पर 1 लाख रुपए रिसीव हो रहे हैं, ये एक कैश इनफ्लो है। ईयर नंबर 2 पर 2 लाख रुपए का कैश इनफ्लो है, ईयर नंबर 2 पर 2 लाख रुपए का कैश इनफ्लो है, और ईयर नंबर 3 जो है उस पर 2.3 मिलियन का कैश इनफ्लो है। 2.3 मिलियन का मतलब हो गया 2300000। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कंप्यूट करना है,
अब हम जो तरीका यूज कर सकते हैं वो ये है कि नेट प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न वो परसेंटेज होती है जिस पर डिस्काउंटिंग करी जाए तो नेट प्रेजेंट वैल्यू जीरो आएगी। एज्यूम कर लो कि जो आईआरआर की परसेंटेज है, एज्यूम कर लो कि जो आईआरआर की परसेंटेज है वो है एक्स। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज कैसे कैलकुलेट होगा? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज ऐसे कैलकुलेट होगा कि जो 1 लाख है उसकी 1 साल की डिस्काउंटिंग करनी है, यानी कि 100,000 डिवाइडेड बाई 1+x प्लस ये जो 2 लाख रुपए हैं 200,000 डिवाइडेड बाई 1+x की पावर 2 प्लस ये जो आपके 2.3 मिलियन रुपीज़ हैं, तो 2300000 डिवाइडेड बाई 1+x की पावर 3। ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज है माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज यानी कि 2 मिलियन। अगेन ये एक इक्वेशन आपके पास बन गई है। इस इक्वेशन को आप कैलकुलेटर पर पुट करो और कैलकुलेटर पुट कर कर एक्स की वैल्यू ढूंढो। जो एक्स की वैल्यू होगी वो आपका आईआरआर होगा, क्योंकि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न वो डिस्काउंटिंग की परसेंटेज है जिस पे एनपीवी जीरो होती है। एनपीवी की जगह मैंने जीरो लिखा हुआ है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज की जगह जितने भी कैश इनफ्लोज थे उनकी प्रेजेंट वैल्यू लिखी हुई है। जो पहले साल पे था उसकी 1 साल की डिस्काउंटिंग, जो दूसरे साल पे था उसकी 2 साल की डिस्काउंटिंग, जो तीसरे साल पे था उसकी 3 साल की डिस्काउंटिंग, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज की जगह 2 मिलियन लिखा हुआ है जो कैश आउटफ्लोज था। कुछ बच्चों को इक्वेशन सॉल्व करना आती है और वो बोल रहे हैं कि इसका आंसर 9.69% है। जिनको नहीं आता है वो ज़रा काइंडली इक्वेशन सॉल्व करना सीख लेना, देख लेना, और फिर इस सवाल को तुम लोग कर सकोगे। डन है? कोई इशू तो नहीं है? डन। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 हम कर चुके थे, 5 आप लोग खुद कर लेना, 6 मैंने करवा दिया था, 7 मैंने करवा दिया था, 8 हमने शायद नहीं किया। 8, 9 और 10 करते हैं पहले, तो 8, 9 और 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 हमने नहीं किए ना, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 हमने नहीं किए हैं। 8, 9 और 10 तीन सवाल ज़रा करते हैं अभी फ़ौरन से, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 ये तीन सवाल हमने नहीं किए हैं, ये तीन सवाल ज़रा हम करते हैं। पहला वाला सवाल जो है वो बोलता है एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 1.5 मिलियन इज मेड इन अ बिजनेस। एक बिजनेस में आपने 1.5 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करी है। 1.5 मिलियन की इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि ये हो गया आपका पी। 1.5 मिलियन की इन्वेस्टमेंट का मतलब हो गया कि ये आपका है पी, ठीक है? फॉर 4 ईयर्स, 4 सालों के लिए की है। एंड गेन इज 0.5 मिलियन, फाइन रेट ऑफ गेन, यानी कि आपको आई ढूंढना है। आपको ये पता है कि गेन कितना हुआ है, आपको ये पता है कि 4 सालों के लिए इन्वेस्टमेंट करिए। अब इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। ऑप्शन नंबर वन आप फॉर्मूला यूज़ कर लो, एस इज इक्वल्स टू पी 1+i/n, जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है कंपाउंडिंग का। ऑप्शन नंबर 2, आप कंपाउंड इंटरेस्ट के अमाउंट का जो फार्मूला मैंने पहली क्लास में पढ़ाया था वो यूज़ कर लो, जो होगा p बाहर और ब्रैकेट में 1+i/n-1। अगर आप पहला वाला फार्मूला यूज़ करते हो, अगर आप पहला वाला फार्मूला यूज़ करते हो, तो इसमें जो p होगा वो होगा 1.5। इसमें जो पी होगा वो होगा 1.5, पी आपकी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट होगी। एस क्या होगा? एस होगा 2 मिलियन। 2 मिलियन क्यों होगा? क्योंकि जब हम एस की या फ्यूचर वैल्यू की बात करते हैं तो उसमें एस में या फ्यूचर वैल्यू में आपका ओरिजिनल अमाउंट भी होता है और आपका जो इंटरेस्ट होता है, गेन क्या है, गेन कैसे होगा, गेन इंटरेस्ट के ज़रिए होगा, वो भी होता है। तो आपका जो एस होगा ना वो 2 होगा, ठीक है ना? और यहाँ पर ब्रैकेट में क्या आएगा? 1+i/4, ठीक है? और आपको क्या ढूंढना है? आपको आई ढूंढना है। तो 2 जो है वो 1.5 से डिवाइड होगा। 2 जब 1.5 से डिवाइड होगा, 2 डिवाइडेड बाय 1.5 कितना बनता है? 2 दोबारा बता दूँ,
देखो दो आपकी फ्यूचर वैल्यू है, फ्यूचर वैल्यू में दो बातें होंगी, आपके अपने पैसे और आपको मिलने वाला है इंटरेस्ट। आपको इंटरेस्ट मिल रहा है 0.5 का, यानी कि 2, ठीक है ना? तो 2 डिवाइडेड बाय 1.5 जो है वो बन जाता है आपका 1.333। फिर पावर 4 लेफ्ट साइड पर जाएगी तो पावर 1/4 बन जाएगी, उसमें से 1 माइनस करेंगे तो आपका जो आई आएगा ना, जब आप इसको आराम से सॉल्व करोगे, जो आपका आई आएगा वो 7.45 या 7.46% आ रहा होगा, 7.46% आ रहा होगा। अभी अभी मैंने कैलकुलेटर पर सॉल्व किया है, 2 डिवाइडेड बाय 1.5 जो है, 2 डिवाइडेड बाय 1.5 जो है वो 1.333333 बनता है। उसकी आप पावर जो राइट साइड पर 4 है वो लेफ्ट साइड पर आएगी तो 1/4 बनेगी। फिर उसमें से 1 को माइनस करो और उसको 100 से मल्टीप्लाई करो। मैंने इक्वेशन बनाई हुई है, जितने लोगों को मसला है वो आराम से ज़रा सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ हो जाएगी। अच्छा, अगर हम दूसरे वाले फॉर्मूले से इसको सॉल्व करेंगे जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला है, तो फिर यहाँ पर हम सिर्फ 0.5 लिखेंगे, यहाँ पर पी की जगह हम 1.5 लिखेंगे, और यहाँ पर ब्रैकेट में हम लोग 1 प्लस आई, हमें ढूंढना है, पावर 4 लिखेंगे, -1 लिखेंगे। यहाँ पर क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट की सिर्फ और सिर्फ अमाउंट आती है, तो ये थोड़ा सा दोनों फॉर्मूले के बीच में चेंज होगा, और फिर आंसर जब निकालोगे तो आंसर दोनों जगह का सेम आएगा, यानी कि जो आपका आई होगा ना वो 7.46% ही आ रहा होगा। ठीक है, जब कुछ नहीं लिखा हुआ होगा तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट से सॉल्व करेंगे। ठीक है भाई, तो 7.46 आंसर होगा हमारा, जो आंसर होगा वो होगा 7.46%, हमारा जो आंसर होगा वो होगा 7.46%। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा, डन है? अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 9 आता है पेपर में। अगर अभी जो है वो क्लास में 16 लोग ऑनलाइन है तो 6 लोगों के, 5 लोगों के पेपर में आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, कितने लोगों से क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व हो गया? हैंडआउट तो आप लोगों के पास है सारे सवालों का, कितने लोगों से क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व हो गया? इफेक्टिव एनुअल रेट मालूम करना है, इफेक्टिव एनुअल रेट, सालाना रेट जो सेम रिजल्ट दे। ठीक है, यहां पर इफेक्टिव एनुअल रेट कैसे मालूम किया जाएगा? देखो आप एज्यूम कर लो कि 2013 के स्टार्ट में आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किए थे, आप एज्यूम कर लो कि साल 2013 के स्टार्ट में आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किए थे। 2013 का इंटरेस्ट रेट है 8%, 2013 का इंटरेस्ट रेट अगर 8% है, 2013 का अगर इंटरेस्ट रेट 8% है, तो मेरे 100 रुपये 2013 के आखिर में हो जाएंगे 108। 2013 का अगर इंटरेस्ट रेट 8% है तो मेरे 100 रुपये 2013 के आखिर में हो जाएंगे 108। ठीक कह रहा हूँ, मेरे 100 रुपये 2013 के आखिर में हो जाएंगे 108। अच्छा, उसके बाद क्या है? उसके बाद 2014 का रेट है 9%, 2014 का रेट है 9%। अगर 9% 2014 का रेट हो, मैंने 2013 के स्टार्ट में 100 रुपये इन्वेस्ट किए थे, 2013 के आखिर में ये 108 हो जाएंगे। जब 2014 का आखिर आएगा तो अब क्योंकि रेट 9% है तो मुझे कितना, मेरा पैसा कितना हो जाएगा? 108 प्लस 108 का 9% कितना बनता है? 108 प्लस 108 का 9% कितना बनता है? 117.72, 117.72। ठीक है, उसके बाद 2014 के स्टार्ट, 2014 के आखिर से यानी कि 15 के स्टार्ट से 15 के आखिर तक मेरे ये पैसे कितने बन जाएंगे? 117.72 प्लस 117.72 का 10%। एक मिनट रुकना यार, 108।
ये हो जाएंगे 129.49। ठीक है, ये बात समझ गए। मैं वापस से ज़रा इस बात को रिपीट करूं, अगर अगर 2013 के शुरू में तुमने 100 रुपये इन्वेस्ट करे होंगे तो वो एक साल बाद 108 हो जाएंगे, क्योंकि पहले साल का जो रेट है वो 8% है। उसके बाद अगले साल ये 108 रुपये मजीद 9% से इंक्रीज होंगे। तो अगर ये मज़ीद 9% से इंक्रीज होंगे तो मज़ीद एक साल बाद ये पैसे 117.72 हो जाएंगे। ये 9% है। इसके बाद इससे अगले साल क्या होगा, 10% का इंटरेस्ट रेट है, तो ये 117.72 जो है वो मज़ीद 10% के साथ इंक्रीज होकर 129.49 हो जाएंगे। 129.49 हो जाएंगे, 129.49 हो जाएंगे। ये बात अभी तक जितनी भी मैंने करी ये क्लियर है कि अगर मैंने 100 रुपये इन्वेस्ट करे हों वो 3 साल बाद, पहले साल 8% का अगर रेट हो, दूसरे साल 9% का अगर रेट हो, और तीसरे साल 10% का रेट हो, तो 3 साल बाद 129.49 हो जाते हैं। ये बात क्लियर है? अच्छा देखो, अब यहाँ पर इस सवाल में कभी मुझे जो रिटर्न मिल रहा है वो 8% मिल रहा है, कभी जो रिटर्न मिल रहा है वो 9% मिल रहा है, कभी जो है वो रिटर्न मिल रहा है वो 10% मिल रहा है, और मेरे 100 रुपये 3 साल बाद 129.49 हो जाते हैं। इफेक्टिव एनुअल रेट का मतलब ये है कि कौन सा ऐसा कॉन्स्टेंट रेट हो जो हर साल मिलता रहता तो आपके पैसे इसी तरह से फ्यूचर में पहुँचते। हाँ बिल्कुल मास, ये पेपर में बहुत बार टेस्ट होता है। ठीक है, और काइंडली मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अगर डायरेक्ट मैसेज करो तो, सॉरी, रिप्लाई टू एवरीवन करो तो ज़्यादा बेहतर होगा। यहाँ तक ये बात समझ में आ गई? ये बात समझ में आ गई? सही है। अब देखो, इफेक्टिव एनुअल रेट कैसे ढूंढेंगे, पहले मैं ढूंढ करता हूँ और फिर मैं एक वर्किंग करता हूँ, फिर मैं आप लोगों को प्रूफ करता हूँ। पहले तो आप लोग मेरी बात सुन लेना और मान लेना कि इफेक्टिव एनुअल रेट ऐसे ही इस सवाल में ढूंढेंगे। एस इज इक्वल टू पी 1 + i पावर n यूज़ करो। इनिशियली कितने पैसे इन्वेस्ट किए थे? 100। इनिशियली कितने पैसे इन्वेस्ट किए थे? 100। 3 साल बाद वो कितने होंगे? 129.49। 3 साल बाद वो कितने होंगे? 129.49। ठीक है, 1 + i, और 3 साल बाद हुए तो पावर 3। पहले तो इधर से आई ढूंढो, पहले तो इधर से आई ढूंढो। पहले तो इधर से आई ढूंढो। कितना आता है आई? एट पॉइंट नाइन नाइन परसेंट। देखो, इस सवाल का जो इफेक्टिव एनुअल रेट होगा वो 8.99% होगा, लेकिन कैसे, क्यों, अभी मेरी बात ख़त्म नहीं हुई है। ठीक है, मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ कि भाई मेरे नॉलेज के हिसाब से जो इफेक्टिव एनुअल रेट होगा इस सवाल का वो 8.99% होगा। 8.99% इफेक्टिव एनुअल रेट होगा, यानी कि अगर इस बंदे को पहले साल 8 और दूसरे साल 9 और तीसरे साल 10% इंटरेस्ट नहीं मिलता, बल्कि हर साल 8.99% इंटरेस्ट मिलता रहता तो भी यही रिजल्ट आते। अब इसको ज़रा मैं प्रूफ करता हूँ। अगर 8.99% का इंटरेस्ट हो और आप पहले साल 100 रुपये इन्वेस्ट करो तो ये 100 रुपये 1 साल बाद कितने हो जाएंगे? 108.99, 108.99 हो जाएंगे। इसके बाद क्या होगा, मज़ीद 1 साल बाद ये पैसे कितने हो जाएंगे? 108.99 + 108.99 का 8.99%, 108.99 का 8.99% + 108.99 कितना बनता? 118.78 बनता। और फिर दोबारा से एक और साल के लिए
सेम 8.99%, 118.78 प्लस 118.78 का 8.99%, तो 118.78 का 8.99% प्लस 118.78 या आपका टोटल 129.46 तकरीबन बन रहा है, ठीक है। यानी कि ये रेट भी आपको तकरीबन ऊपर वाला ही रिजल्ट दे रहा और इफेक्टिव एनुअल रेट वही रेट होता है जो एनुअल बेसिस पर मिला करता और सेम रिजल्ट देता। इफेक्टिव एनुअल रेट वही रेट होता है जो एनुअल बेसिस पर मिलता रहता और सेम रिजल्ट देता। अब बताओ क्या क्वेरी है, ये वाला फिर से बता देता हूँ। देखो, आपने 100 रुपये अगर इन्वेस्ट कर रहे हो और आपको 8.99% के हिसाब से इंटरेस्ट मिल रहा हो, तो एक साल बाद आपके 100 रुपये 108.99 हो जाएंगे। उसके बाद मज़ीद एक साल बाद वो पैसे 118.78 हो जाएंगे क्योंकि आपको 8.99% दोबारा इंटरेस्ट मिलेगा। उसके बाद मज़ीद 129.46% हो जाएंगे क्योंकि आपको दोबारा से 8.99% इंटरेस्ट मिलेगा। यानी कि अगर मैं 100 रुपये इन्वेस्ट करूं और एक साल में 8%, दूसरे साल में 9%, तीसरे साल में 10% इस तरह से इंटरेस्ट मिल रहा हो, तो भी तीन साल बाद मेरे पैसे 129.49 होता है। और अगर मुझे हर साल 8.99% इंटरेस्ट मिल रहा हो, तो भी मैं सेम रिजल्ट्स पर आता हूँ। इफेक्टिव एनुअल रेट वो रेट होता है जो एनुअल बेसिस पर अगर मिला करता और जो टर्म आपको ओरिजिनली मेंशन करी हुई है, उतनी ही टर्म यानी कि उतने ही साल यानी कि 3 सालों के लिए इस केस के हिसाब से मिल रहा होता, तो सेम रिजल्ट देता एंड में। ना सर, जो ईआर का मैंने फार्मूला बताया था वो तब एप्लीकेबल होगा जब एक साल की बात हो रही हो। यहाँ एक से ज़्यादा साल की बात हो रही है और हर साल का इंटरेस्ट रेट अलग अलग है। अगर एक से ज़्यादा सालों की बात हो रही होगी और हर साल का इंटरेस्ट रेट अलग अलग होगा, तो इस तरह से सॉल्व करना पड़ेगा। ऑनर 6x इसी तरह से भाई करना पड़ेगा एग्जाम में भी, ठीक है। एक और तरीका ज्योमेट्रिक मीन वाला है। स्टैटिस्टिक्स में ज्योमेट्रिक मीन पढ़ाया जाता है जिसमें आपको परसेंटेजेस का एवरेज लेना सिखाया जाता है। अगर तो आपने ज्योमेट्रिक मीन कर लिया है तो उस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। सही है, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़े। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 मैं वापस से पेस्ट कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 मैं दोबारा से पेस्ट कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 में दोबारा से पेस्ट कर रहा हूँ, दोबारा से हम लोग करते हैं। देखो, इसमें लिखा हुआ है परसेंट डिपॉजिटेड, कहाँ हमने किया है सिंपल इंटरेस्ट का इस्तेमाल, मुझे बताओ। हमने सिंपल इंटरेस्ट का किस जगह इस्तेमाल किया, कहाँ पर बताओ। देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में एक मेजर डिफरेंस ये होता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में जो आपकी एक्यूमुलेटेड अमाउंट होती है उस पर आपको इंटरेस्ट मिला करता है। बेटा, ये जो फार्मूला है ना, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला है। ये जो एस इज इक्वल टू पी वन प्लस आई पावर एन का फार्मूला है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला है, ये सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला नहीं है। अच्छा, अगला लिखा हुआ है परसेंट डिपॉजिटेड ₹700,000 इन अ बैंक एट 9% सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स एंड 3 मंथ्स, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मनी ही रिसीव्ड एट द एंड ऑफ द पीरियड। चलो बताओ, आसान सा सवाल है, तुम लोग बताओ। क्या फॉर्मूला लगेगा, एस इज इक्वल्स टू पी वन प्लस आर टी, है ना। एस इज इक्वल्स टू पी वन प्लस आर टी, तो एस इज इक्वल्स टू पी यानी कि 7 लाख मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस आर यानी कि 9% इंटू टी यानी कि 3.25। तो आंसर क्या आ रहा है, 90475।
ठीक है, कोई मसला है तो बताओ। थ्री पॉइंट टू फाइव कैसे आया? देखो 3 महीने जो होते हैं, 3 महीने जो होते हैं, तीन तीन साल और 3 महीने, 3 महीने को ईयर्स में कन्वर्ट करने के लिए 12 से डिवाइड करो तो 0.25 आएगा। तो 3 साल और 3 महीने जो है वो 3.25 ईयर्स होते हैं। 3 साल और 3 महीने 3.25 ईयर्स होते हैं। 3 साल और 3 महीने 3.25 ईयर्स होते हैं। ठीक है, चलो जी आगे चलते हैं। 11, अगेन 11 वही बहुत सारे लोगों के पेपर में आएगा। 11 जो है वो बहुत सारे लोगों के पेपर में आएगा। ठीक है, 11 और 12 जो है वो दो सवाल और करवाता हूँ। टेन का आंसर जो है वो 904750 है। 10 का आंसर जो है वो 904750 है। सही है? अच्छा जी चलो, 11 और 12, 11 मार्क कर लो इम्पोर्टेंट, 11 मार्क कर लो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? टू कंपनीज मेड दी फॉलोइंग कैश इनफ्लोज फ्रॉम टू डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। दो कंपनी के दो प्रोजेक्ट्स के अलग अलग कैश फ्लोज हैं, कैश इनफ्लोज हैं। कंप्यूट द रेट ऑफ डिस्काउंटेड एट विच दी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ईच सेट ऑफ कैश फ्लोज इज सेम। वो डिस्काउंटिंग की परसेंटेज कैलकुलेट करो जिस पे दोनों कंपनी के दोनों प्रोजेक्ट्स के कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यूज एक दूसरे के इक्वल हों। यानी कि वो ये कह रहा है, इक्वेशन उसने ये बनवाई, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज ऑफ ए इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू, इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज ऑफ बी। ठीक है, बताओ क्या करें अब? ये पेपर में आता है, इम्पोर्टेंट है। सॉल्व कर कर बताओ कोई एक बंदा। सॉल्व करो कोई एक बंदा। एज्यूम कर लो कि डिस्काउंटिंग की जो परसेंटेज है ना वो है एक्स। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज ऑफ ए किसके बराबर होंगे? 8080 डिवाइडेड बाई 1/x, फिर 9000 डिवाइडेड बाई 1+x की पावर 2, फिर 1000 डिवाइडेड बाई 1+x की पावर 3। ऐसा ही है। और प्रेजेंट वैल्यू कैश फ्लोज ऑफ बी का मतलब है 8000 डिवाइडेड बाई 1+x और 9000 डिवाइडेड बाई 1+x की पावर 2 और 1100 डिवाइडेड बाई 1+x की पावर 3। अच्छा, अब कैलकुलेटर पर इसको सॉल्व करने से पहले करना है एक सवाब का काम कर लेना, वो ये करना कि ये 8000 डिवाइडेड बाई 1/x है, ये अगर उल्टे हाथ पर आएगा तो माइनस हो जाएगा, उल्टे हाथ पर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 8080/1/x में से जब ये माइनस होगा तो ये बचेगा 80 अपॉन
वन प्लस एक्स, इसी तरह से ये 9000 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ये 9000 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और ये जो 1000 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स क्यूब है, ये जब राइट साइड पर आएगा तो ये हो जाएगा 100 अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब। अब ज़रा इसको कोई कैलकुलेटर में डालकर सॉल्व करो कितना आता है, मुझे बताओ एक्स की वैल्यू कितनी आती है जितने लोगों को कैलकुलेटर पर इक्वेशंस सॉल्व करना आते हैं। ठीक है, अच्छा बहरहाल अभी मीटिंग का जो टाइम है, इस मीटिंग का जो टाइम है वो ओवर हो रहा है, ठीक है ना, तो इसको ज़रा सॉल्व करो और क्वेश्चन नंबर 11 जो है इसको इम्पोर्टेंट मार्क करो, और भाई ये ज़रूर 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 करना। इंशाल्लाह कल हमारी क्लास दोपहर 12 से एक एक क्लास है और 6:30 से 7:30 एक क्लास है। मज़ीद बातें मैं आप लोगों के साथ व्हाट्सएप पे करता हूँ और इस रिकॉर्डिंग को सेंड करता हूँ। क्वेश्चन 12 ऑनवर्ड्स हम अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। अच्छा 11.8% आ रहा है, राफे ने कैलकुलेट करके देख लिया, आप लोग भी चेक कर लो और अपना बहुत ख्याल रखना। इंशाल्लाह व्हाट्सएप पर मज़ीद बात होती है। कल हमारी 12 से एक 6:30 से 7:30 क्लास है, फिज़िकल क्लासेस इंशाल्लाह बिल्कुल होंगी, ठीक है, उसकी भी डिस्कशन व्हाट्सएप पर करते हैं। अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़। मीटिंग ओवर हो रही है तो मैं एंड कर रहा हूँ, ठीक है, अल्लाह हाफिज़।